तू शर्म का देवता बना बैठा से बेटे, ना तो यो मौका जजगण का से और ना शर्मा उनका। साफ बता, उस दिन ती गैल खेत में कौन था? मेरे गैला उस दिन सावित्री थी और उसने इस बात का बेरा से। सहमदादरी बारे करते क्या गांव की पंचायत से पड़े हो टोलनी? माफी चाहूं तू सरपंच, पर चंदन गवा खूब ढूंढी। सावित्री तो वो एक है ना जो चंदन चाहेगा, पर इसका कारण सारा गांव अच्छी ढाल जाने से। रे बिरजू, औकात आगे मत बढ़े, बेवक्त का राग अच्छा नहीं होता। ओ जबर के सावित्री ना बुला गए। सावित्री, कुछ दिन पहले खेत में चंदन का जूता खो गया था। सावित्री मुंह तो बोल, जवाब दे। हाँ खो गया था। सरपंच, सावित्री तेनु पूछ क्या चंदन के लिए अकेली खेत में के करण गई थी? सरपंच साहब, बेइज्जती की बात है, मैं सावित्री ने बीच में नहीं लाना चाहता। या तो मेरा गवाह मैं हूँ या मेरा राम से। हाँ भाई सरपंच, या तुम भी जाने मैं भी जानू, मुलजिम घरे पत्थर राम का सारा लिया करे। ठीक सा भाई, न नोमर तेल हो न राधन अच्छे, न राम गवाही देना वे न फैसला हो। अरे पंचो, जब तुमने पहले में मारे फांसी लाउन का फैसला कर रखा से, तो फिर इस पंचायत का डॉन क्यों रच रखा से? तुम न्यू करो अग मारे दोनों बाबू बेटा को ऊपर दही छिड़कवा के और कुत्ते छोड़ दो, पड़े आए इंसाफ के ठेकेदार। लहरी होशमा अपिम रहे, इसा लाके से बेटे के पैर में तेरा सुबह खराब हो रहे। अरे सरपंच, यह तो बखत बखत की बात है भाई, मारा दिमाग के और आज हमारा मुकद्दर खराब हो गया। सरपंच साहब, मैं शहर तक गांव में अपने देहाती भाइयों की मदद करने खातर आया था, ताकि नौकरी की झूठी भूख और बेरोजगारी दोनों का खात्मा हो। भाई चंदन, तू गांव में क्या करना था? इसका पंचायत से कोई ताल्लुक नहीं, पंचायत का ताल्लुक से सिर्फ मुकदमे की गवाही थे। ते इस बारे में क्यों कहना से तो बोल। सरपंच साहब, इससे आगे मैंने कुछ नहीं कहना, जो सजा देनी से दे दो, मैं फांसी ताई टूटने तैयार हूँ। अरे ना बेटा ना, अरे राम राम, अरे निर्दोष बालक ने मत मारो, अरे मत मारो, मत मारो, इतना मत मारो। बाबू इंसाफ आंधा हो से, इसने आंसू नहीं गवाही चाहिए, चाहे वह सच्ची हो चाहे झूठी। और मैंने दुख तो इस बात का से कि गुंडा के डरते इस गांव में कोई सच्ची कहनी ना से। सुनो, गवाह की तस्दीक से साबित होगी कि रामकली के छोरे की बहू का गवाह चंदन ने एक दूसरे आदमी की मदद से करा। चंदन ने ना तो उस आदमी का नाम बताया और ना अपनी बेगुनाही का सबूत पेश कर सका, इसलिए पंचायत ने यो फैसला करा से कि लहरी और चंदन दोनों ने जात वार करके उनका हौका पानी बंद और एक रुपए जुर्माना उनका ही 30 दिन की मोहलत दी जा से, तो इस 30 दिन में वह अपनी बेगुनाही साबित ना कर सके तब पंचायत यो मुकदमा पुलिस में दे देगी। पंच का फैसला सिर माथे पर, मैं इस जन्मभूमि की माटी की कसम खा के कहूँ कि मेरे माथे पर लागी कालस न जब तई अरे थोड़े लगता था रगड़ रगड़ का साफ नहीं कर लूंगा, इस गांव में नहीं बढ़ूंगा। बेटे चंदन, बेटे चंदन, बेटे रे बुढ़ापे में की तोड़ के दाल खड़ा तू, रे बूढ़े बाप ने बेटे रे लूट लिया, गांव लूट लिया बेटे। लरी की बैठा भाई,
लड़ी महसूस जगजीत तेने के हाल बना रखे जी यार कौन सरपंच हाँ। सजा देनी से ना देने सजा देने हाथ पांच तो तूने पहले में काट लिए गर्दन बच्ची से इसने भी काट लिया लहरी आगे लोग के मैं एकला सरपंच को ना तो तेरे यार भी के कही यार मर गया यार मर गया और रह गया पौध और कंगले का ना कोई यार ना कोई दुश्मन तुमने लेना सुधरी मैंने लेना है ले ले अरे तू मैंने लेगा मैं कहूँ सु तू मैंने लेगा अरे मेरे कागजे ने काट के लेगा तू तू मैंने लेगा अरे के ले गया अरे तू फालतू मत बोले मैं यू कहूँ सु ले गया ले जा रहा ले जाओ ले जाना रहा ले गया वाला कुछ नहीं दरिया कुछ नहीं दरिया जा जा डिगर जाने जा मैं कहूं सू डिगर जाओ सावित्री मन बेटी देखते हैं सड़स तुमने रोटी खवा गई है रोटी खा ले कौन बेटी सावित्री बेटी तू चंदन धोरे मत जाइए तू तू उस ताई रोटी भी लेके मत जाइए आ आ मत जाइए ना यो जालिम सरपंच बेटी तेरे पा कटवा देगा यो जोश में तुझसे शादी कर बैठी उसके बाद एक एक करके तेरी काली करतूतों का पर्दा उठता गया यहाँ तक कि तूने भाई बहन के रिश्ते को भी शक की नजर से देखा मैं पत्थर बनी रही क्योंकि शक दूर करने की कोशिश करने पर शक और भी बढ़ता है हिंदू स्त्री हूँ तुझे अपना पति परमेश्वर मान चुकी हूँ पर अब तेरी पूजा नहीं कर सकती तेरे साय में मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती है इसलिए जा रही हूँ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना जिस दिन बुरी संगत से निकलकर सही रास्ते पे आओगे मुझे अपने साथ पाओगे तुम्हारी कुसुम चली गई और गई की तो होगी कौन से बेटी मैंने पीछे नहीं कौन है बैठ जा हाँ बेटी ये बता तू कौन से कितना आई से और के काम से जी मैंने सुना था कि आप गांव में कन्या पाठशाला शुरू करना चाहो सो मैं बीए पास हूँ आपके स्कूल में टीचर लगना चाहूँ सो मास्टर ने जानना चाहिए बेटी पर तू तनख्वाह कितनी लेगी जी दो वक्त की रोटी और सर लकोना जगह चाहिए सावित्री ए सावित्री आई पुप्पा हाँ पुप्पा क्या क्या था बेटी तेरी बुआ किस है वहाँ तो मंदिर जा रही सर हाँ बेटी नाम कैसे तेरा जी लाजवंती बेटी यह अपनी कन्या पाठशाला की नई मास्टरनी लाजवंती और भाई यह से मेरी बेटी सावित्री यह बेटी बाहर रहेगी इसने
घर ले जा अपनी बुआ से कह के इसका इंतजाम करवा दे। राम राम। हाँ भाई नाम राम राम बोल। राजी वो कड़िया नरेश किधर है आज? राम मन नहीं ना बेरा उसका किधर रहा है, मैं भी सही बात बैठा था। तेरे क्या तुम नहीं ना दिखे? देख रहे ना पे मैंने तेरे से कई बकाया लिखा है। चंदन का नाम मेरा का मत लिया करे। क्यों चंदन को 303 गोली है तो तेरी मैं लेकर जाएगी। विश्वासघाती दोस्त 303 की गोली से भी फालतू खतरनाक हो से। वो दही के बड़ाके में कपास खा रहा है और तू न्यू बता कुसुम की से कही होगी चंदन के लाके दे कुए जेरम पड़न। तू काम की बात करे ने भाई मन ना जाना घरा अकेला ऐसा नहीं। तुमने 10 रुपये दे दे और जब तुमने कोई काम हो तो बता दे अरे घर होता है चला जाऊंगा। अरे मन ने के तक साल ला रखी झाड़ पी जाएगी और घना कौन सी तेरी बन्नो बैठी है? अरे तेरी बन्नो तो बैठ देखा करती तुमने कौन सा राज ली? हम तो वही वाला अंडे खा कमा लेंगे। ले ये 10 रुपये ले। अरे काम करिए हमारे गाँव वाला बिरजू है ना जो आया था उसने इन्हों कह दिए जब वो काम हो गया हो तब बेरा कर देगा। राम बिरजू हाँ बिरजू। अरे कौन सा था? अरे भाई मोती के पास है। अरे यो भाई तना गांव में बूझ डांडा था। बिरजू तू ऐसे है? हाँ मैं ऐसे के पास है। राज ने तेरे नाम एक संदेशा भेजा है कि सब काम ठीक ठाक हो जाना चाहिए पैसे की कोई चिंता नहीं करेगा। राज ने कह दिए बिरजू के काम में कोई कमी नहीं पावेगी पर ये बात के पैसे के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है भाई काम की तू जाने पैसे की वो जाने मन्ने तेरे ताई संदेशा देना था वो दिया दे। जवाड़ देख रहा बाट तुम्हारे आली बाट तुम्हारे आली तेरे तुम्हारे कदे मेरा दूरा भी बैठ जाया करे। आजा आजा लतीले। सर मैं तेरे बापू जी आ रहा है। अच्छा अरे इसे सुथरे सुथरे लगते पे रहा है। उन माते गणी सुथरी सड़ा दवा से है क्या कही सड़ा दे? अरे बेना मैं कौन सी कुड़ी पे मुंह मार काई से? वो मैंने न्यू कहता अब मेरी गिला चल तने घंटा घर की मिठाई खाऊंगा। अच्छा इब तेरा के ब्याह से रसीले सोचू सो वो बात तो ठीक के कैसा ठीक के कैसा और मैं तेरे ताई कचरी पील पिंजू छोलिए होले और दके संगर ताई लिया करता और आज तू उस बाबूजी के घंटा घर पर ही पटगी। तू तो छोटे छोटे पतले पतले संगर लिया करता उन ते क्यों हुआ था? अच्छा तो तने लाठी जोड़ सांगर चाहिए मरे तो पहले में क्यों ना बताई? फिर भी रसीले मिठाई का स्वाद तो न्यारा है वैसे कित सांगर और कित मिठाई। देखिए मेरी संडोरी एक बात सुन ले शहर की मिठाई पेट में जाया पत्थर फूल जाए आकर और आंख हो जाए डूडा सी डूडा सी। हेलो परो आओ सारी मकोड़े तू पारों ने हलो कर और बेसम तू भी दांत पड़ लग रही से रे ऑल इंडू जो बिचे जेड़े जा बड़ खा रहा है पारो इतने नाम रजिस्ट्री हो रही है। ओ मोगरे वाले की रजिस्ट्री तो बना हुई से पर इस पे मेरा पुराना कब्जा से और तने तेरा से कब्जा बहाल हुआ करे। रे ओ एक घुसे में तेरा कब्जा और कब्जी दोनों तोड़ दूंगा। शेर की सूखी गाजर तू मने आंख दिखा ले। अरे ओ कांकड़ी पहलवान हाँ। या पार होते ने भिंक डली ला ली हाँ। इजी इजी शहर में 20 मिलने हैं थोक के बा 20 मिलने से तू थोक की दुकान छोड़ के अरे परचून की दुकान पे के डोके लेने आया थे वागा बेरा तो पढ़ना है पढ़े। अच्छा पारो फिर मिल लेंगे टाटा टाटा। Thank you.
सावित्री तू चंदन चाल घरा जाके देख बाबू का क्या हाल हो रहा है। नहीं सावित्री, जब तक अपने माथे तक कलंक का टिक्का नहीं मिटा लूंगा इस गांव में निबड़ूंगा। तो फिर ठीक से मन्ने भी गल्ला ले चाल। नहीं सावित्री, मन्ने तेरे तय एक दिन पहला मैं कहा था कि तू बड्डे घर की छोरी से, तेरा मेरे जैसे गरीब के घर में गुजारा नहीं, और अरीब तो वो घर भी ना रहा। ये मत क्या चंदन, मैं जीऊंगी तो तेरी गल और मरूंगी तो तेरी गल। नहीं सावित्री, तू जा अपने घर चली जा। बसंती का क्या होगा? बसंती का कुछ भी करे वह गांव में नहीं पहुंचनी चाहिए, ना तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। पहले मैं यूं बताऊं, शहराणी की खुदाया जिसकी खातर मैंने अपने भूल गया था। बाबू उसका जिक्र ना करता अच्छा है। अरे मन्नती सा लग गया था, तूने छोड़ के भाज गई हो, उससे बाकायदा बैठ रहा था या न्यू रख ली थी। माँ ऐसा लगा मेरे बाबू ने मेरा आना कभी पसंद नहीं आया। राजे तू साल खाते पहले।